पिछले दो दिन की जोरदार बारिश में प्रदेश के कई जिलों में फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कहीं आशियाने का संकट है तो कहीं पर दफ्तर पानी से लबालब हो गए हैं। पिछले दो दिन की मूसलाधार बारिश से प्रदेश के पूर्वी भागों में क्या हाल हुआ है उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ऑफिस से लेकर घर और खेत खलिहान में पानी ही पानी है। सबसे पहले देखिए आजमगढ़ के आरटीओ दफ्तर का हाल। गांव की बात क्या करें, ये ऑफिस तो शहर के हरबंशपुर मोहल्ले में स्थित है जो कि जिलाधिकारी आवास से कुछ ही दूरी पर है। ऑफिस में एक एक कमरे में पानी पसरा है। अधिकारी कक्ष, कैश रूम, सर्वर रूम, लाइसेंस रूम सहित सभी कक्षों में पानी भर गया है और यही वजह है कि यहाँ का सारा कामकाज ठप हो गया है। ऑफिस के बाहर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई तालाब है। दो दिन की तेज बारिश में ही शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों की शिकायत है कि अगर यहाँ पर नालों की साफ सफाई ठीक तरह से हुई होती तो सितंबर के महीने में बरसात में इंतजामों की इतनी फजीहत नहीं होती। आजमगढ़ शहर से निकलकर अब जरा कुशीनगर के गाँव में चलते हैं। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश ने यहाँ पर कैसा कहर बरपाया है उसे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नदी में कटान की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। मिट्टी कट कट कर नदी में समा रही है और नदी का पेट फैलता जा रहा है। दरअसल तेज बारिश के बाद नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 4.12 लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ा गया है। इससे यहां पर करीब एक दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं। नदी किनारे के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। तमाम लोगों के सामने आशियाने का खतरा पैदा हो गया है। चारों तरफ पानी से घिरने के बाद आखिर कैसे रात दिन बीतेंगे। लोगों के हाल बेहाल हैं, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक इस बदहाली पर कोई सुध नहीं ली गई। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी के साथ कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। उधर देवरिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बारिश के पानी ने कैसा कहर मचाया उसे भी जरा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अस्पतालों में पानी भर गया। दरअसल देवरिया में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया है। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है। एसपी ऑफिस में पानी घुस गया। एसपी ऑफिस के साथ ही साथ ही जिलाधिकारी का जो दफ्तर है वहाँ पर भी पानी घुस गया और जो तमाम इलाके हैं निचले वहाँ पर तो पानी का आलम ऐसा है कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। लेकिन अगर डीएम ऑफिस में पानी भर जाए तो आप समझ सकते हैं कि ज़िले का हाल क्या होगा। मूसलाधार बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आ गई है। उनके खेतों में खड़ी फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलों के सड़ने का खतरा बन गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गोरखपुर के पश्चिम के सहजनवा के पिपरौली ब्लॉक के खरेला गांव की हैं। यहां पर फसलें किस तरीके से ज़मीन दोज हो गई उसे देखा जा सकता है। अब किसानों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जानकारी के मुताबिक बारिश से यहाँ पर 200 बीघे में फसल गिर गई है। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल किनारे से एक विशालकाय मगरमच्छ घर में घुस गया। मगरमच्छ को देखते ही घर के लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया और फिर उसे नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ के चले जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।